जिला कलेक्ट्री पे इस समय हम खड़े हैं। आपको बताते हैं हमारे साथ ऑल राजस्थान व्यापार कार महासंगठन के लोग यहां पर खड़े हैं। जयपुर वाहन व्यापार समिति है, जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन है और तमाम जिलों से यहां पर एसोसिएशन के लोग हैं। इनकी मांगे हैं जो अनाधिकृत जो टैक्स जो वसूला जा रहा है और उसके अलावा बजट के अंदर भी जो इनको राहत नहीं दी गई है उसके विरोध में यहाँ पर खड़े हैं। सर जानना चाहेंगे आज ये जो आपका विरोध प्रदर्शन है इसकी क्या प्रमुख वजह है? हम सभी व्यापारीगण यहाँ पर ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन की ओर से एकत्रित हुए हैं और हम सभी जितने भी हैं, कोई जोधपुर से आया हुआ है, कोई अलवर से आया हुआ है, कोई भरतपुर से आया है, कोई गंगानगर से आया है, कोई कोटा से आया है, कोई भीलवाड़ा से आया है, कोई राजसमंद से आया है, पूरे प्रदेश के गंगानगर से आया है, कोई पूरे प्रदेश के लोग हम एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर भाजपा सरकार द्वारा 10 जुलाई को जो टैक्स की आरटीओ के टैक्स के अंदर बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर के हम अपनी सरकार से मांग रखने के लिए आए हैं। पिछले 15 दिन से हमारा ये आंदोलन हर पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर चल रहा है, तो सरकार से हम ये मांग रखते हैं कि इस टैक्स को जो कर बढ़ाई गई है इसको वापस लिया जाए। राजस्थान के अंदर जो 12.5% ट्रांसफ़र का टैक्स लगता था उसको इन्होंने 25% बढ़ा करके यानी 100 टाइम कर दिया है। इसको हमारी सरकार से मांग है किसी भी अन्य राज्य के अंदर कहीं भी, भले वो गुजरात हो, भले दिल्ली हो, भले हरियाणा हो, भले पंजाब हो, भले चंडीगढ़ हो, जब किसी भी राज्य के अंदर इतना टैक्स नहीं लगता, ओनली मात्र हस्तांतरण की ट्रांसफ़र की फ़ीस लगती है। तो हम भी सरकार से ये निवेदन करते हैं, सरकार को ये जताना चाहते हैं कि राजस्थान में भी सिर्फ ट्रांसफ़र की फ़ीस ली जाए। अन्य राज्यों की जो गाड़ियां दिल्ली से हरियाणा से यहां जयपुर ला करके राजस्थान नंबर करवा करके हम रजिस्टर्ड करवा करके बेचते हैं, हमारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कम से कम 5,000 से ज़्यादा गाड़ी खड़ी है। मोदी सरकार द्वारा, भाजपा भजनलाल सरकार द्वारा रात को एक जैसे फ़ोन का बटन बंद कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है, ऐसे रात को इन्होंने अपने ऑर्डर निकालते हैं। सुबह हम नींद से उठते हैं तो हमें पता लगता है कि हम सारे व्यापारी लोग जितने भी हैं लाखों लोगों का रोजगार, हम बेरोजगार हो गए, हमारा रोजगार चौपट हो गया। कितना फर्क है टैक्स का वो बता दो। और पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से सरकार को भी चेताना चाहूँगा, मीडिया को भी बताना चाहता हूँ कि जो टैक्स पहले लिया जाता था 10 जुलाई से पहले, पिछले 1.25 साल का सरकार उसका अगर कैलकुलेशन करवा ले पूरे परिवहन मंत्री से इसका पूरा अगर आंकड़ा निकालेंगे, परिवहन मंत्रालय का आंकड़ा निकालेंगे, तो पिछले सवा साल के अंदर जो टैक्स राजस्व हमने सरकार को दिया है पिछले सवा साल में, वो जब से इन्होंने टैक्स की दरें बढ़ाई हैं पिछले 10 दिनों के अंदर सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हम जन आक्रोश के अंदर आम जन को तो नुकसान हुआ ही है इस बढ़े हुए टैक्स वृद्धि का, लेकिन सरकार को भी इसका बहुत नुकसान है। अब मैं जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि 10 जुलाई से जो पहले टैक्स लगता था, उदाहरण के तौर पर केवल मात्र अगर 3 लाख की कार है, अन्य राज्यों से आई है, राजस्थान नंबर में पंजीयन उसका हो रहा है, पुनः पंजीकरण की अगर अपन बात करें, जिस कार पे पहले 25,000 रुपये टैक्स लिया जाता था उसको इन्होंने बढ़ा करके 5 गुणा यानी उस पर 1.25 लाख रुपये टैक्स ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा भेदभाव है। अब वो जो 3 लाख रुपये की कार है 10 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितने की पड़ती थी और 10 जुलाई के बाद अब कितने की पड़ती जी? पहले जो गाड़ी थी जो 3 लाख रुपए की वैल्यू की अगर अपन माने तो सेम कैटेगरी की कार की अगर अपन बात करें, उसके ऊपर 3 लाख की कार पे अगर हम पहले लेकर के आते थे तो 25,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स लेकर के हमें 80% की छूट दी जाती थी। जो इनका एक ये सिस्टम है सरकार का, राजस्थान सरकार का, कि नई गाड़ी का टैक्स लेते हैं ये एक बार, ये कर उसका वन टाइम टैक्स का 80% हमें छूट दी जाती थी उसके अंदर, और 20% टैक्स जमा होता था, यानी अगर 1 लाख रुपए टैक्स है तो उसका 20,000 रुपये जमा होता था, 80% हमें छूट होती थी, 80,000 रुपये छूट होती थी, तो उस गाड़ी के 20,000 रुपये का नंबर लग जाता था। अभी 10 जुलाई के बाद में टैक्स की बढ़ोतरी होने के बाद में इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया कि उसके ऊपर 1 लाख रुपये टैक्स लग रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पूरे प्रदेश के अंदर इतने सारे व्यापारियों के पास में इतनी सारी जो गाड़ियां खड़ी हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, हमारा धंधा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सरकार कहती है कि हम आपको ये दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यदि हम गलत हैं हमारी बातों का हमारे सामने आकर के जवाब दे दें, यदि हम गलत हैं तो हमारे साथ इतना अन्यायपूर्ण भेदभाव क्यों, इतना अन्याय सिर्फ राजस्थान के व्यापारियों के साथ ही क्यों किया जा रहा है? कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले में क्या टेक्निकलिटी है और ये जो धरना प्रदर्शन है ये कहां तक इसको ये लेकर जाएंगे भाई साहब? अंकल टेक्निकलिटी क्या है सिर्फ उतना सा बताइए। और इतना एक छोटा सा प्रश्न ये है आम आदमियों को समझ में आए, मान लीजिए कोई गाड़ी, नई गाड़ी मान लीजिए 5 लाख रुपए की आ रही है, तो पहले सारे टैक्स वैक्स लग लगा के आपकी जो छूट है वो सब मिला के वो कितने की आती थी और अब कितने की आ रही है? दूसरा सवाल, पुरानी गाड़ी
जो 10 जुलाई से पहले कितने की पड़ रही थी और अब कितने की पड़ रही है, इतना बता दीजिए। भाई साहब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो जब नई गाड़ी बिकती है तो उस पर OTT वन टाइम टैक्स दे दिया जाता है, जिसका नाम ही एक बार ये कर है। लेकिन जब वो गाड़ी दोबारा बिकती है तो सरकार कहती है इस पर दोबारा टैक्स दो, वो भी पहले 12.5% अब 25% सीधा डबल कर दिया। तो पुरानी डबल करने के ये आपने वन टाइम टैक्स दे चुके हो आप, उसका नाम ही OTT है, वन टाइम टैक्स है, किसी राज्य में लगता ही नहीं है। तो हमने को राजस्थान के निवासियों ने कोई गुनाह कर दिया क्या? हम बेचने वाले क्या? ये भाव तो खरीदने वाले में भी पड़ता है कि उसको 12.5 के बजाय 25% देना पड़ता है, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। OTT वन टाइम टैक्स, साफ साफ लगाओ वन टाइम टैक्स, अब उसके बाद आप दोबारा वन टाइम टैक्स को कैसे ले सकते हो? दूसरा, बाहर के जो राज्यों की गाड़ियां आती हैं, हर राज्य उसके ऊपर एक निश्चित फीस लेके उसको अपने नंबर स्टार्ट का अपने स्टेट का नंबर देता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इन्होंने लूट मचा दी। पहले जो 25% था उसको सीधा 80% तीन गुना कर दिया। अरे कोई गुनाह थोड़ी कर दिया इस राज्य में रहने वालों ने। इतना जैसे अभी यहाँ पे पता पड़ा करीब 15 दिन से, यानी कि करीब करीब 1.5 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह जगह जाके कर रहे हैं, अगर अभी भी अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो इस आंदोलन को कहाँ तक लेकर जाएंगे? इसमें बिल्कुल सड़क पे आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम अपने काम बंद करेंगे, नई गाड़ियों के भी शोरूम बंद करेंगे हम। उनको हमारे साथ में आना ही पड़ेगा। पुरानी गाड़ी बिकती है तो नई गाड़ी बिकती है, अगर हम पुरानी गाड़ी नहीं बेचेंगे तो नई गाड़ी पे भी इफेक्ट आएगा। नई गाड़ी शोरूम वालों को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारे डेंटर, हमारे पेंटर, हमारे वर्कशॉप वाले सब हमारे साथ आएंगे और हम सबको शामिल करेंगे और इस आंदोलन को बहुत तेज करेंगे। परिवहन मंत्री से आपकी बात हो पाई क्या? परिवहन मंत्री को कई बार अलग अलग शहरों में, जयपुर में, सब जगह जाके ज्ञापन दे के आए हैं, लेकिन वो श्रीमान जी उसके ऊपर एक दस्तखत करते हैं और टेबल के साइड पर रख देते हैं कि ठीक है विचार करके बताएंगे। उसका जवाब कभी नहीं आया, आता ही नहीं है उनको। अभी हमने कल परसों तरसों 3 दिन 4 दिन जहां वो जा रहे हैं वहां पे उनको हमारे सदस्य ज्ञापन दे रहे हैं, उनके पीछे पीछे घूमे हैं, लेकिन उनके कान पे जू भी नहीं रहेंगे। मेरा नाम अजय भाटिया है, मैं जयपुर वाहन व्यापार समिति, जयपुर कार बाजार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रजत छाबड़ा है, मैं ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन का अध्यक्ष हूँ। तो आपने ये देखा जिस प्रकार से तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं, इनकी एक ही मांग है कि जो बढ़ी हुई टैक्स की दर है उसे तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा इस आंदोलन को और ज़्यादा ये उग्र करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे आंदोलन की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ उसका भार इनके ऊपर नहीं, बल्कि इनका कहना है कि जो कस्टमर हैं, जो बायर्स हैं, उनके ऊपर भी इस टैक्स का भार पड़ रहा है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बताइए। अगर एक गाड़ी वन टाइम 15 साल के लिए वन टाइम होती है, अगर हमसे अगर वापस डबल OTP ले रहे हैं तो फर्स्ट पार्टी को उसका टैक्स रिटर्न करो। फिर गाड़ी की कैपेसिटी 5 साल बच रही है, फिर उसका वापस 15 साल का ले रहे हैं तो 10 साल का उसका टैक्स कस्टमर को वापस दो। इस महंगाई से सिर्फ हमको फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक आदमी 2.5-3 लाख लेके 2.5-3 लाख रुपये गाड़ी लेके अपना परिवार चला रहा है, वो कैसे मेंटेन करेगा उस गाड़ी को? वो गाड़ी को कैसे मेंटेन कर पाएगा आप ही बताइए। ये आज ये रेट बढ़ी है, कल इंश्योरेंस महंगी होगी, फिटनेस महंगी होगी, सब चीज़ महंगी होगी एक साथ होगी, तो गरीब आदमी जो 2.5-3 लाख रुपए लेके बच्चा अपने परिवार चला रहा है वो कैसे चला पाएगा? और एक गाड़ी का दोबारा वन टाइम करो तो फर्स्ट पार्टी को पैसा रिटर्न करो, फिर उसका रिटर्न करो। जब 12.5% जो टैक्स ले रहे थे ये, उसके बाद 25% करने की जरूरत क्या थी? या तो बहुत बड़ा स्कैम है मंत्री जी का इन लोगों का, इस तरह कोई सुनवाई ही नहीं है। आश्वासन सिर्फ आश्वासन पूरे राजस्थान में, जब अदर स्टेट में जो टैक्स नहीं है ना, तो राजस्थान में क्यों टैक्स है? राजस्थान वाले पैसे वाले हैं, सिर्फ राजस्थान वाले पैसे वाले हैं, सिर्फ है पूरा पैसा राजस्थान में है। हम लोग बहुत बड़ा वो विरोध करेंगे इसका, रोड पे आएंगे। जब हम लोग भी, हमारे बीवी बच्चे जब भूख से मरेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप? भूख हड़ताल करेंगे हम। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और परिवहन मंत्री ने इनकी अगर बात नहीं मानी, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इस आंदोलन को ये और ज़्यादा उग्र करेंगे और भूख हड़ताल आमरण अनशन तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। और इसका साफ तौर पर इनका कहना है कि ये भार सिर्फ हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर नहीं, बल्कि जो ग्राहक हैं, जो बायर्स हैं, उनके ऊपर भी अनावश्यक भार पड़ रहा है और इस आंदोलन को आखिरी दम तक ये लेकर जाएंगे। और इन सबकी यहाँ से आज यही मांग है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और परिवहन मंत्री इनकी बात सुने और जो बढ़ी हुई टैक्स की दरें हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ